नमस्कार, मैं संजीव चौबे और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान पटना में भी लॉकडाउन है, पूरे बिहार में लॉकडाउन है। इसमें आम जनमानस को क्या क्या दिक्कत है, इस चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ एक छात्र मौजूद हैं जो यहीं पटना में छपरा के रहने वाले हैं, लेकिन पटना में रह के जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि एक आम इंसान को, एक छात्र को, इस लॉकडाउन में क्या क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? विपुल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छपड़ा के। क्या करते हैं यहाँ पे? छात्र हूँ, पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, तो आप बताइए लॉकडाउन में आप लोग को, जो छात्र यहाँ पे रहते हैं, खाना बनाते हैं या फिर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मेस में खाते हैं बाहर जाके, आप लोग को किन सब चीज़ों की दिक्कत हुई, क्या क्या दिक्कतें हुई आप लोग? दिक्कत हुई कि सब साग सब्जी मिलने में दिक्कत हो रहा है, जो रेट पहले था उस उचित रेट पर नहीं मिल रहा है, रेट बहुत हाई हो गया है। और साग सब्जी में क्यों, दाल चावल आटा तेल जितना बेसिक नेसेसिटीज का सामान है सब महंगा हो चुका है और टाइम से नहीं मिल रहा है। आप, जैसा आपने पहले बताया कि आप किसान बैकग्राउंड फैमिली है आपकी, तो वहाँ पे आपके घर पे जो है वहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं? वहाँ पर दिक्कत है कि पहले मैं जाके घर से दाल चावल आटा तेल लेके आ जाता था, आज लॉकडाउन के चलते मैं जाके नहीं लेके आ पा रहा हूँ, यही दिक्कतें हैं। खाने पीने में जो है आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? सामान वगैरह तो सब मिल जाता है खाने पीने का, जो भी चीज़ है? खाने पीने में दिक्कत नहीं है, वही रेट के लेके है। और बाहरी लड़का जो थे मेस में खाते थे, उनका मेस बंद हो चुका है, वे लोग फंसे हुए हैं, उन लोग को बहुत सारे परेशानियाँ हैं, उन लोग को खाना टाइम से नहीं मिल पा रहा है, मिल भी रहा है तो किसी को एक टाइम मिल रहा है, किसी को वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो छात्र बहुत परेशान है मेस वाले। तो विपुल जी, चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं लेकिन लड़ाई भी बहुत बड़ी है, ये देखते हुए आप एक छात्र हैं, तो आपके हिसाब से इस लॉकडाउन से भारत पे क्या असर पड़ा है? इस लॉकडाउन से भारत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, खासकर इकोनॉमिकली, लेकिन जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री मोदी जी का परिकल्पना है, तो इसी के लेकर हम लोग चल रहे हैं। कुछ दिनों का कष्ट है, अगर लॉकडाउन रहे सब कोई तो बहुत जल्दी सीमित मात्रा में समाप्ति की ओर बढ़ेगा। अच्छा, लगातार बिहार के DGP, बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे तमाम लोग अपील करते हैं लोगों से कि वो लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, लेकिन ये कौन लोग हैं जो बार बार बाहर आते हैं और अनावश्यक रूप से बाहर घूमते हैं, इनके लिए कौन हैं ये लोग आपके हिसाब से? देखिए, लॉकडाउन पालन कर रहे हैं, अच्छा से इसका पालन हो रहा है, लेकिन चंद लोग हैं जो इस लॉकडाउन को का पालन नहीं कर रहे हैं और वही पूरा समाज को दूषित कर रहे हैं। इन लोगों को चिन्हित करके सरकार इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। ये 3 तारीख को जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो स्थिति आएगी, और अभी जो 20 तारीख के बाद जो थोड़े लॉकडाउन में जो ढील दी गई है, इसमें क्या लगता है कोरोना कितना आगे बढ़ेगा इन सब चीज़ों में, जब सब सारी चीज़ें खोल दी जाएंगी 3 तारीख के बाद? तो एक बैग से नहीं खोलना पड़ेगा, सरकार इस पर उचित कदम लेगी, क्योंकि सब लोग देख रहा है कि पर डे बढ़ते जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसको पार्शियली लॉकडाउन करना चाहिए और धीरे धीरे, माने एक, माने वन बाई वन स्टेप लेते हुए खोलना चाहिए मार्केट को एक बार। ये बेरोजगारी को, बेरोजगारी के दृष्टिकोण से इस लॉकडाउन को आप कब तक देख रहे हैं, या मतलब कि जो लोग लॉकडाउन के में बेरोजगार हो गए वो फिर सारे लोग रोजगार में कब तक आ पाएंगे, क्या उम्मीद है? देखिए, बेरोजगार तो लगभग आया है डेटा, इकोनॉमिक का एक सर्वे करता है, उसका डेटा आया है कि 12.5 करोड़ लोग अभी तक बेरोजगार हो चुका है, तो ये लॉकडाउन हटेगा अभी तो एकदम सा बेरोजगारी नहीं जाएगा, कम से कम 2 साल लग जाएगा इसको रिगेन करने में, इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। बहुत सारे हमारे ठेला वाला, खोंचा वाला, चाय वाला, ये सब लोग ठेला लगा के बेचते थे, इन लोग का रोजगार चला गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग थे, जैसे भवन निर्माण में, रोड निर्माण में, ये लोग लगे थे जो पर डे कमाते थे, खाते थे, वो लोग का रोजी रोजगार चला गया है। बहुत सारे हमारे छोटे छोटे कंपनियां में बाहर प्रदेशों में जाके काम करते थे मजदूर, उन लोग का कंपनी बंद होने के कगार पर है या बंद हो गई है, वो लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ये सब देखने में तो ये है कि हाँ, लॉकडाउन ख़त्म होगा तो सब लोग रेडी वाले ठेले वाले लगाने लगेंगे, लेकिन कहना आसान है लेकिन होने में इसमें टाइम लगेगा, और ये लगभग 2-3 साल तक लगेगा अभी इकोनॉमी रिगेन होने में। अच्छा, जो बिहार के बाहर या फिर
और भी जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जो मजदूर फंसे हैं, क्या लगता है सरकार को उन्हें ले आना चाहिए या फिर जो वहाँ जो जहाँ पे हैं वहीं राज्य उस उन लोगों की खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने का इंतजाम कर दे, क्या बेहतर है आपके हिसाब से? बेहतर यही है, लॉकडाउन का मतलब है क्या है कि जो जहाँ रहे वहीं रहे, तो बेहतर यही होगा कि जो जहाँ रहे वहीं रहे। और सरकार के एक कर्तव्य है कि जो जहाँ है उसके खाने पीने के सरकार चिंता करे और सही टाइम पर उनको खाना पहुँचे, ये जिम्मेवारी सरकार को लेना चाहिए। और भी जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जो मजदूर फंसे हैं, क्या लगता है सरकार को उन्हें ले आना चाहिए या फिर जो वहाँ जो जहाँ पे हैं वहीं राज्य उस उन लोगों की खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने का इंतजाम कर दे, क्या बेहतर है आपके हिसाब से? बेहतर यही है, लॉकडाउन का मतलब है क्या है कि जो जहाँ रहे वहीं रहे, तो बेहतर यही होगा कि जो जहाँ रहे वहीं रहे। और सरकार के एक कर्तव्य है कि जो जहाँ है उसके खाने पीने के सरकार चिंता करे और सही टाइम पर उनको खाना पहुँचे, ये जिम्मेवारी सरकार को लेना चाहिए। और जो जहाँ है वहाँ ही रहे, स्टे होम। अच्छा एक बताइए, विश्व में बहुत बड़े बड़े देश जिनकी ग्रोथ रेट हमेशा से ऊपर रही है, ऐसे तमाम देश हैं, इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इन सबों की जो GDP है बहुत कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, बिल्कुल माइनस में जा रही है। उस कंडीशन में एक सर्वे में हम देखें कि चाइना और भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है उन लोगों से, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये कोरोना वायरस जो है ये आर्थिक मंदी के 1939 वाला आर्थिक मंदी की तरफ लेके जा रहा है, और इसमें कम ही नहीं हुआ है, इकोनॉमी साफ डिरेल हो गया है, और ये सब महाशक्तियों का ग्रोथ रेट जो है नगण्य हो गया है। जबकि ये सर्वे आया है IMF का, उसमें बोला गया है कि सारी कंट्री जो जो महाशक्ति हैं उन लोग का माइनस में ग्रोथ रेट रहेगा। दुनिया के दो ही ऐसे कंट्री हैं, चाइना और भारत, जिसका वो चाइना का 1.6 और भारत का 1.9 रहेगा ग्रोथ रेट, उसके हिसाब से तरक्की करेंगे। अभी भारी संकट अभी आने वाला है। एक अंतिम सवाल विपुल जी आपसे कि ये भारत इस लॉकडाउन के बाद आर्थिक स्थिति में कितने साल पीछे चला जाएगा? देखिए, अगर सुनियोजित ढंग से इसको क्रियान्वयन किया जाए तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, और भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, और इतना होते हुए भी इसका ग्रोथ रेट माइनस में नहीं जा रहा है, इसको देखते हुए बमुश्किल 2 से 3 साल में अपना कर लेगा रिगेल। बहुत तो तमाम मुश्किलों के बाद, GDP नीचे होने के बाद, खाने पीने की समस्याओं के बाद, तमाम लोगों का ये कहना है कि इसके बावजूद जो है लॉकडाउन का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोरोना वायरस से हमें जीतना है, उसे हराना है और हमें सुरक्षित रहना है, तो इन सारी चीज़ों का फॉलो करना होगा। थोड़ी दिक्कतें सहनी होंगी, चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन ये समझना होगा कि लड़ाई भी बहुत बड़ी है, इसलिए लॉकडाउन का पालन करें, जहाँ तक हो पाए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही रखें और कोरोना को हराने में एकजुटता को दिखाएं।